हाय फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है गवार मसाला। आइए देखते हैं गवार मसाला घर पर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम पैन में तेल लेंगे, तेल में हम गवार डालेंगे। गवार को अच्छी तरह से हमें भून कर लेना है। ये देखिए, गवार को अच्छी तरह से हमने तेल में भून लिए है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। अभी हमने वही पैन में थोड़ा सा तेल और ले लिए है। इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी हरी मिर्च, अभी हम इसमें प्याज डालेंगे। हल्का लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, प्याज लाइट ब्राउन हो गए। अभी हम इसमें टमाटर डालते हैं। ये देखिए, टमाटर भी अच्छी तरह से हो गया है। अभी हम इसमें गरम मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला। इसे अभी हम पका लेंगे। थोड़ा से हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए, हमने इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अभी हम इसे थोड़ा पकने देते हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मसाला अच्छी तरह से पक गया। अभी हम इसमें जो गवार भून कर रखे थे वो डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हल्के हाथ से ही मिक्स करना है हमें। अभी हम थोड़ा से हरा धनिया डालेंगे इसमें और इसे ढककर 2 मिनट पकने देंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, गवार की सब्जी रेडी हो चुकी है। अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, गवार मसाला रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपके कमेंट हमारे YouTube चैनल
खाना पकाना पर ज़रूर भेजिए। थैंक यू। थैंक यू।